हेलो डियर एफ वाई बी एस सी माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स, सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट द स्टरलाइजेशन मेथड्स लाइक हीट स्टरलाइजेशन. देन वी हैव ऑल्सो सीन द सम एक्स्ट्रा मेथड्स लाइक हीट स्टरलाइजेशन में मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एंड द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन. नाउ इन दिस एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट वी हैव सीन द वन मोर कंसेप्ट विच इज फिल्ट्रेशन. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर मेथड्स ऑफ द मेथड्स ऑफ द स्टरलाइजेशन विच कम्स अंडर द फिजिकल मेथड्स ओनली. तो उसमें हम कुछ मेथड्स देखने वाले हैं. सो द मेथड्स विच कम अंडर द फिजिकल टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन, फर्स्ट वन इज द इरेडिएशन. तो इरेडिएशन साउंड्स लाइक रेडिएशन, तो रेडिएशंस का यहाँ पे यूज़ किया जाता है. तो रेडिएशन कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर आपने सुना होगा ये कंसेप्ट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं? जिसमें वेव्स जो इलेक्ट्रिक वेव्स हो या मैग्नेटिक वेव्स हो, दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो वेव्स बनती है, दिस आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दोज रेडिएशन कॉल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो जनरली ये वाली चीज़ें यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. तो दो टाइप के ना रेडिएशंस यूज़ किए जाते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस. तो आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग दोनों के नाम ही आयोनाइजेशन से रिलेटेड है. मतलब जो जो माइक्रोब्स को या जो जो भी कंटामिनेंट्स हो उनको आयोनाइज करेंगे, उनको आयोनाइजिंग रेडिएशन बोलेंगे. एंड जो चीज़ें जो रेडिएशन जो है वो इन कंटामिनेंट्स को, इन माइक्रोब्स को आयोनाइज नहीं करेंगे, उनको नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस बोलेंगे. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें जनरली यूवी लाइट को हम कैटेगराइज करेंगे. यूवी लाइट इज़ यूज एज अ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएंट. तो नॉन आयोनाइजिंग मतलब ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, वो लाइसिस वगैरह कॉज करते हैं, वो जनरली यहाँ पे क्रिएट नहीं किए जाएंगे. यूवी लाइट की ये एबिलिटी है ही नहीं कि वो किसी को आयोनाइज करे. तो वो बस सर्फ जो उसका मेन इफेक्ट क्या है, अगर उसका हम लाइक 150 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट टू 3900, तो उसमें से भी 2600 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट का जो वेवलेंथ है जो अल्ट्रा वायलेट की, वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, जिसका बैक्टेरियोसाइडल इफेक्ट है. मतलब बैक्टेरिया को किल करने का इफेक्ट ज़्यादा है इस वेवलेंथ को, जिसको अगर हम नैनोमीटर में बोले तो 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ हम यूज़ करते हैं जनरली. तो यूवी रेडिएशन की बात करें तो वो क्या करते हैं, जनरेट जो है वो डाइमर्स फॉर्मेशन करेंगे. वो जनरली डायरेक्ट उनका, अभी हमने अभी तक प्रोटीन देखा था कि बैक्टीरिया का प्रोटीन डीनेचर करना है, बैक्टीरिया के एंजाइम्स को डीनेचर करना है. बट यहाँ पे एक नया टर्म है कि यहाँ पे डायरेक्टली डीएनए पे अटैक किया जाता है, डीएनए को इफेक्ट किया जाता है. यूवी क्या करता है, यूवी रेज, तो हमें पता है कि हमें यूवी रेज के वजह से कैंसर भी होता है, हमने सुना होगा. तो वो क्यों होता है, वो डायरेक्टली अटैक वो डीएनए पे करता है. इसकी वजह से सेल्स में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से ट्यूमर सेल फॉर्म होते हैं, कैंसर कॉज होता है. अब ये माइक्रोब में कैसा यूज़ होगा, अपने आप पे नहीं करना है, हमें ये माइक्रोब पे करना है. तो ये माइक्रोब पे कैसे यूज़ होगा, तो ये क्या करता है ना, हमें पता है आपने डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियोटाइड रहते, ए बाइंड्स टू टी एंड जी बाइंड्स टू सी. बट यहाँ पे ये यूवी रेज क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर को इंटरप्ट करेंगे और डाइमर फॉर्मेशन करेंगे. मतलब ए को जाके ए को बाइंड करेंगे एंड टी को जाके टी को बाइंड करेंगे, जैसे थायमिडिन डाइमर या तो फिर एडेनिन डाइमर्स को फॉर्म करेंगे. तो इसकी वजह से रेप्लिकेशन प्रोसेस पे फ़र्क पड़ेगा, नॉर्मल उसके जो भी सेल के एक्टिविटीज है उस पर फ़र्क पड़ेगा, सेल किल हो जाएगा इन शॉर्ट. तो यही काम जो है वो यूवी रेज यानी कि आयोनाइजिंग रेडिएशन करते हैं. तो ये जो यूवी रेज है बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं. अभी ये इनकी प्रॉपर्टी की पेनिट्रेट नहीं होते, बस सरफेस को स्टरलाइज करते हैं, इसलिए उसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता फार्मा इंडस्ट्रीज़ में. बट इन लाइक इन द स्टरलाइजेशन के हमें अगर लिक्विड को स्टरलाइज करना है या फिर हम कहीं वाटर को हमें स्टरलाइज करना है तो वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है. सरफेस को स्टरलाइजेशन करना है तो वो यहाँ पे भी यूज़ किया जाता है. अगर हम लैब में प्रैक्टिकल करेंगे ना तब आपको दिखेगा कि हम जब प्लेट्स को पोर प्लेट टेक्निक मेथड है, आपको देखने मिलेगी या फिर सीखा होगा आपने. तो वो पोर प्लेट टेक्निक मेथड में जब अगर सॉलिडिफाई हो जाता है
तो उन प्लेट्स को ओपन करके यूवी लाइट में रखा जाता है थोड़ी देर के लिए, ताकि वो कंटामिनेशन अगर हो भी मीडिया में तो वो दूर हो जाए। तो ऐसे आयोनाइजिंग सॉरी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ किए जाते हैं, एग्जांपल यूवी रेस। अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करें, अब इनका नाम ही आयोनाइजेशन रेडिएशन है, मतलब यहाँ पे आयोनाइजेशन होगा जो भी बैक्टीरिया है, जो भी कंटामिनेंट्स है उनका। तो इसके लिए जो है वेव्स या फिर रेज हम यूज़ करने वाले हैं, दिज आर एक्सरे एंड द गामा रेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि दिज आर द हाई एनर्जी रेडिएशन जो आयोनाइजेशन करेगी, उनमें एनर्जी रेडिएशन बहुत हाई एनर्जी के रेज है ये। तो ये क्या करेंगे, वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद वो O2 के मेटाबोलाइट जनरेट करेंगे, लाइक हाइड्रोक्सिल रेडिकल, लाइक OH- रेडिकल हो या सुपरऑक्साइड रेडिकल हो या H2O2 जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, लाइसिस कॉज करता है सेल्स को, बैक्टीरियल सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ये सब चीज़ें। तो ये जनरली इसको रेडिकल्स को जनरेट करेगा, आयनाइज करेगा, एंड जब ये जो रेडिकल्स है वो जनरेट होंगे, ये मॉलिक्यूल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जाके किल करेंगे। कैसे, उनका ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब उनका लाइसिस वगैरह करेंगे, उनके सेलुलर कंपोनेंट्स को डीनेचर करेंगे, डिग्रेड करेंगे। एंड देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा ना, उतना ज़्यादा वो रेडिएशन जनरेट करेंगे। अगर ऑक्सीजन कम तो रेडिएशन भी कम और आयनाइजेशन भी कम। सो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगा तो इनके लिए एडवांटेज है कि वो माइक्रोब्स को और अच्छे से किल कर पाते हैं। देन रेडिएशन स्टरलाइजेशन अगर हम बात करें, वो हमने बोला कि यूवी रेज फार्मा में यूज़ नहीं किए जाते, तो ये रेडिएशन जो है एक्सरेज या गामा रेज जिनको हमने आयोनाइजिंग रेडिएशन बोला है, वो जनरली फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, या तो प्लास्टिक सिरिंजेस और ड्राई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स उनके जो है स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ द स्टरलाइजेशन मेथड विच कम्स अंडर द फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज अल्ट्रासोनिक वेव्स वाइब्रेशन। अब इनका नाम है अल्ट्रासोनिक वेव्स, मतलब साउंड वेव्स की मदद से भी स्टरलाइजेशन होता है। तो वो कैसे होता है, तो हमने देखा कि रेज की मदद से करते हैं, यूवी रेज की मदद से करते हैं, हीट की मदद से करते हैं। अब साउंड का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड मतलब थोड़ा हाई फ्रिक्वेंसी वाला साउंड, विच इज़ अराउंड 20-40 किलो हर्ट्स का साउंड जो होता है, वो थोड़ा वाइब्रेशन कॉज करेगा इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इन द कंटामिनेशंस। देन अल्ट्रा वायलेट साउंड कैन बी यूज विद द वाटर, बट यूज़ ऑफ द सॉल्वेंट अप्रोप्रिएट फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन एंड द टाइप ऑफ द सॉइलिंग प्रेजेंट इन्हांसेस द इफेक्ट। मतलब कि अगर हमें किसी चीज़ को अगर स्टरलाइज करना है, किसी इक्विपमेंट को स्टरलाइज करना है, तो वाटर के साथ अगर हम जो है या फिर किसी सॉल्वेंट के साथ अगर हम अल्ट्रासाउंड देंगे तो और ज़्यादा इफेक्ट उसका होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो साउंड वेव्स होते हैं वो जनरली लाइक वो स्ट्रक्चर को बैक्टीरियल एक्टिविटी कैसे दिखाते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू साउंड इंटेंसिटी, मतलब साउंड की इंटेंसिटी या फिर साउंड को वाइब्रेशन पावर हम कह सकते हैं। जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा वो स्टरलाइजेशन करता है, एंड इवन सैम्पल का जो डिस्टेंस हो उस पर भी वो मैटर करता है। मतलब हमने उस वाइब्रेशन जनरेटिंग सोर्स और हमारे इक्विपमेंट जिसको हमें स्टरलाइज करना है वो कितने डिस्टेंस पर रखा है उस पर भी मैटर करता है। देन दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स आर फाउंड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरियल स्पोर डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द स्पोर्स। मतलब स्पोर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंट है, उसके ऊपर भी एक जनरल, अब ये तो हर स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो है वो इस फैक्टर पे डिपेंड ही करेगी कि बैक्टीरियल स्पोर्स का नेचर क्या है। मतलब यहाँ पे आप बस ये याद रखो कि स्पोर्स को भी जो है किल करने का काम ये अल्ट्रासोनिक वेव्स करती है। देन लिपोइडल सब्सटेंसेस विद इन द माइक्रोब्स रेडिली एब्सॉर्ब, मतलब जो भी लिपिड ग्रैन्यूल्स हमने देखे थे या लिपोइड सब्सटेंस हो, वैक्सी सब्सटेंस हो, जो भी साइटोप्लाज्म में या माइक्रोब्स में प्रेजेंट हो, तो उनका जो है वो उनकी एबिलिटी रहती है कि वो ऐसे अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी को एब्सॉर्ब करते हैं। एंड लाइक अगर लिपिड का कंटेंट ऊपर नीचे हो तो भी इफेक्ट हो जाता है, एंड दिस इज़ यूज इन द, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, अब मैंने बोला कि लिपिड वगैरह ग्रैन्यूल से जो है वो उसके कंटेंट पे डिपेंड करता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कैसे इफेक्ट करेगा। तो वही हम फैक्ट्री यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं,
तो वो लिपिड मेम्ब्रेन जो है वो उसको एब्सॉर्ब करेगी, मतलब जब हम साउंड वेव्स को वाइब्रेशन देंगे या फिर उनकी वेवलेंथ इधर उधर करेंगे, वाइब्रेशन जनरेट करेंगे, ये लिपिड ने तो एब्सॉर्ब कर लिया, मतलब उसकी वजह से सेल में भी कुछ वाइब्रेशंस आएंगे, उसकी वजह से सेल डीनेचर भी हो सकता है, लाइसिस भी होती है। ये बहुत कॉमनली लाइक बहुत कॉमनली हम नहीं कह सकते बट यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू क्लीन द सर्जिकल एंड द डेंटल इक्विपमेंट्स बिफोर द थर्मल स्टरलाइजेशन। मतलब अगर हमें हीट स्टरलाइजेशन करना है तो उसके पहले हम इसको थोड़ा सा प्री स्टरलाइज करेंगे यूजिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑफ द वाइब्रेशन। तो उसके बाद ही हम उनको हीट स्टरलाइजेशन के लिए भेजेंगे। कहाँ पे? अगर हमें वो मेडिकल या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में यूज़ करना है तो। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन इज़ प्रेशर। लाइक प्रेशर का यूज़ करके हम कैसे स्टरलाइजेशन करेंगे वो हम देखने वाले। तो अब हमने देखा कि ऑटोक्लेव में स्टेम अंडर प्रेशर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे बस प्रेशर का यूज़ करना है। तो हाउ? सो लाइक ये जो प्रेशर वाला जो फिनोमिना यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन का, वो जनरली फ्रूट्स या फूड के स्टरलाइजेशन में यूज़ किया जाता है। उससे फूड का नेचर या फूड का कलर फ्लेवर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। सॉलिड या लिक्विड दोनों टाइप ऑफ फूड स्टरलाइजेशन में हम ये यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, प्रेशर अगर 400 to 600 मेगा पास्कल का अगर प्रेशर हो तो उससे प्रोटीन को डीनेचर करता है, सेल की मॉर्फोलॉजी भी चेंज करता है, अल्टर करता है, राइबोसोम डिस्ट्रॉय करेगा तो प्रोटीन भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इससे का यूज़ करके जो है वो पूरा सेल को बिगाड़ के रख देगा, उसको डीनेचर करेगा। दिस इज़ हाउ द प्रेशर इज़ यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ डिफरेंट फूड और फ्रूट्स और एनी टाइप ऑफ लिक्विड। देन सनलाइट। सनलाइट तो बहुत कॉमन है, आपको ज़रूर पता होगा, हम डे टू डे लाइफ में भी करते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को डिसइनफेक्ट करना है या फिर स्टरलाइज करना है तो हम उसको सन में हीट करते हैं। तो दिवाली के टाइम पे स्पेशली हम ये चीज़ें करते हैं, या फिर आजकल कोरोना के आउटब्रेक की वजह से भी हम वेजिटेबल्स को थोड़ा सा अच्छे से वॉश करके हम सन में ड्राई करते हैं। ये हमारे यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है टू प्रिवेंट द कोरोना एंट्री। लाइक हम माइक्रोब्स को रिमूव करने के लिए सनलाइट का यूज़ कर सकते हैं, इन शॉर्ट। तो सनलाइट में आपको पता है बहुत कॉमन है कि वेवलेंथ सॉरी यूवी रेज रहती है। तो यूवी रेज में अगर बात करें तो उनकी वेवलेंथ सनलाइट में रहती है 320 to 400 nanometer। तो वो जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड वाटर, और वाटर में तो ऑक्सीजन होता ही है, तो वो ऑक्सीजन के मदद से, मैंने आपको बोला ही था कि वो नॉन आयनाइजिंग होता है, तो वो सेल के स्ट्रक्चर को ही बिगाड़ लाइक सेल के डीएनए पे अटैक करता है, तो वो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। तो वो पैथोजन जो रहते हैं तो उनके मेटाबॉलिज्म में, मतलब उनके रिप्रोडक्शन हो, उनके रेप्लिकेशन हो, या तो उनके इवन एंजाइम्स हो, उन सब के डीएनए पे इफेक्ट किया, मतलब राइबोसोम पे अटैक किया, तो मतलब प्रोटीन एंड डीएनए दोनों का भी अगर काम बिगाड़ा, मतलब वो सेल इज़ गोइंग टू किल्ड। सो देन द सोलर डिसइन्फेक्शन इज सिमिलर टू रेडिएशन, हाउएवर एफिशिएंसी ऑफ द सोलर इन्फेक्शन इज सिग्निफिकेंटली लो एज इट रिक्वायर्स लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सपोजर। बिकॉज हम कभी कभी लाइक पूरे दिन रखते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए, तो एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज वेवलेंथ वहाँ पे हमने स्पेसिफिक यूज़ की थी 260 nanometer, यहाँ पे वेवलेंथ थोड़ी इधर उधर है, सो दैट इज़ वाई टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा रखेंगे हम यहाँ पे। एंड दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड एनवर ऑब्वियसली हमें परवड़ेगा ये यूज़ करना दिस प्रोसेस, एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली, मतलब कुछ भी वेवलेंथ यहाँ से वहाँ करनी नहीं, कुछ इक्विपमेंट नहीं लानी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी, बस सन ड्राई में लाइक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट उसमें रख देना, स्टरलाइजेशन हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हमने देखा हीट स्टरलाइजेशन में मॉइस्ट हीट देखा, उसमें तीन देखे, बिलो 100, अबो 100 और एट 100 डिग्री सेल्सियस। देन वी हैव सीन द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जिसमें हमने फ्लेमिंग देखी, रेड हीट देखा, इंसिनरेशन देखी, हॉट एयर ओवन भी देखा, इंफ्रारेड भी देखा। फिल्ट्रेशन में हमने लिक्विड और गैसेस का देखा, हेपा फिल्टर इज़ यूज फॉर गैसेस एंड मेम्ब्रेन फिल्टर इज़ यूज फॉर लिक्विड। देन इरेडिएशन हमने देखा अभी, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एंड आयनाइजिंग रेडिएशन, यूवी रेज एंड एक्सरेज एंड गामा रेज का हमने स्टडी किया। देन अलॉन्ग विद दैट अल्ट्रासोनिक वेव्स या साउंड वेव्स हमने यूज़ कैसे करते वो देखा, प्रेशर का हमने देखा, सनलाइट का भी देखा।
दीज आर ऑल द मेथड्स विच आर गोइंग टू बी यूज इन द स्टरलाइजेशन प्रोसेस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड देम. एंड इफ नॉट प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिसइन्फेक्शन एंड और द केमिकल मेथड्स ऑफ द स्टरलाइजेशन. थैंक यू.